नमस्कार, मैं अनुज पाल, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जबलपुर के हनुमान ताल थाना पुलिस ने 6 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस ने आरोपियों के पास से गांजा भी जब्त किया है, वहीं थाना प्रभारी हनुमान ताल मानस द्विवेदी ने बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रेम सागर में गिरधारी गुप्ता के प्लाट के ऊपर काली माता मंदिर के पास रोड में 2 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजे की बड़ी खेप डिलीवरी करने के लिए खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कल दिनांक को पुलिस को सूचना मिली थी कि ऋतिक ठाकुर और रिक्की उर्फ विकास वंशकार, ये दोनों हनुमानताल क्षेत्र के निवासी हैं, जो बड़ी मात्रा में उड़ीसा से गांजा लेके आ रहे हैं। तो सूचना पर तस्दीक करते हुए पुलिस ने रेड की थी, तो इनके पास, दोनों के पास से कुल करीब 6 किलो गांजा मिला था। इस पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को जेल भेजा गया है। सर, बात यह गांजा की कीमत क्या आकलन की गई है, अगर 6 किलो अगर गांजा पाया गया है? ये इसकी कीमत करीब 60 से 70 हज़ार रुपये बताई जा रही है, और थोक मार्केट में। और इन्होंने जो प्राइम ऑफिसर बताया कि ये गांजा जो है छत्तीसगढ़ संबलपुर से लाना बताया उन्होंने, ट्रेन के माध्यम से गए थे और फिर ट्रेन के माध्यम से ही वापस आए थे। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं अनुज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।